हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे यूजेटी। तो यूजेटी में आज क्या देखेंगे, पहले से कंटेंट्स देख लेते हैं कि यूजेटी क्या होता है, इसके कंस्ट्रक्शन, इसका वर्किंग यूजिंग इक्विवेलेंट सर्किट, कैरेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशन। तो ध्यान से देखते रहिए और पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूजेटी क्या होता है, एक थ्री टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि स्टैंड होता है यूनिजंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसका एक ही जंक्शन होता है और इट एक्ट एज ए इलेक्ट्रिकली कंट्रोल स्विच। ये लीनियर एम्पलीफायर के लिए यूज नहीं होता है। ये इसका सिंबल है जिसमें इसके तीन टर्मिनल हैं, B1 स्टैंड फॉर बेस 1 एंड B2 स्टैंड फॉर बेस 2 और दिस इज इमीटर। अब इसके कंस्ट्रक्शन देखते हैं कैसे वर्क करता है ये। तो ये एक एन टाइप सिलिकन वायर है जिसके दो टर्मिनल होते हैं, बेस 1 और बेस 2, और इसमें पी टाइप मटेरियल डिफ्यूज़ किया जाता है। इसके साथ एक लीड कनेक्टेड होता है जिसे इमीटर बोलते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं कि जैसे देख सकते हैं कि इसमें पी और एन सिर्फ एक ही जंक्शन क्रिएट होता है। इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया कि इसमें एक ही जंक्शन क्रिएट होता है, और सेकेंड पॉइंट ये है इसमें दो बेस टर्मिनल होने की वजह से इसे हम डबल बेस डायोड भी बोलते हैं। अब ये दो हो गया, इसे हम डबल बेस डायोड भी बोलते हैं। और जो एन टाइप मटेरियल है ये लाइटली डोप होता है। अब लाइटली डोप होने की वजह से ये एक्सपीरियंस करता है हाई रेजिस्टेंस। तो हाई रेजिस्टेंस अप्रोक्स 5 to 10 किलो ओम का होता है, इसे हम इंटरबेस रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, जिसे डिनोट करते हैं R, B एंड B। चलिए इसका इक्विवेलेंट सर्किट देखते हैं, उसके जरिए इसका वर्किंग समझते हैं। तो ये है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ UJT। यहाँ पे जो डायोड देख रहे हैं आप, ये बेसिकली यहाँ पे जो PN जंक्शन क्रिएट हुआ है ये बिहेव करता है एज अ कन्वेंशनल डायोड की तरह। और ये जो रेजिस्टेंस है ये जब एन टाइप जो मटेरियल है इसमें लाइटली डोप इलेक्ट्रॉन्स है, मीन्स क्या है कि इसमें हाई रेजिस्टेंस शो करता है। जो हाई रेजिस्टेंस है इनके बीच ये हाई रेजिस्टेंस शो करता है। तो जब हम वोल्टेज सप्लाई करते हैं B2 में ऑलवेज पॉजिटिव सप्लाई होता है और B1 में नेगेटिव। तो ये बिहेव करता है पोटेंशियल डिवाइडर की तरह। तो जो B2 के टर्मिनल के नियरेस्ट है उसे RB2 बोलते हैं, और जो B1 के नियरेस्ट है वो RB1 बोलते हैं, और जो इसके बीच जो वोल्टेज सप्लाई होता है उसे V1 बोलते हैं। तो V1 की क्या वैल्यू होता है ये देखते हैं। तो V1 इजकल टू B जो यहाँ पे सप्लाई किया हमने, R B1 upon R B B। तो ये होता है वोल्टेज का फॉर्मूला, जो कि सिर्फ सेपरेट इसका निकाल रहे हैं, इसका वोल्टेज निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। और जो RBB है, RBB ये इक्विवेलेंट है RB1 plus RB2 के, और इसे हम इंटरबेस रेजिस्टेंस पे बोलते हैं। यहाँ पे जो ये जो दो रेशियो है RB1 और RBB का, इसे बोलते हैं इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो। इसे डिनोट करते हैं म्यू से, इसे RB1 upon RB and B। अगर UJT हम 2N 2646 यूज़ कर रहे हैं
तो उस टाइम पर इसका जो वैल्यू होता है वो 0.6 होता है। तो जो अभी हम जब हम वी वी सप्लाई कर रखे हैं तो हाई रेजिस्टेंस की वजह से कंडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। इस टाइम पे एक लीकेज करंट फ्लो होता है जो कि माइनॉरिटी कैरियर की वजह से होता है। अभी हमने जो हमारा वी ई है वो अभी 0 को इक्वल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब यहाँ से जो वोल्टेज सप्लाई होता है उसे बोलते हैं वी डी और ये हो गया हमारा वी वन। तो जब हम वी ई अप्लाई करेंगे और लेस देन होगा वी वन के, उस टाइम पे भी कंडक्शन स्टार्ट नहीं होगा। तो जब वी ई ग्रेटर देन होगा, ये जो वी डी प्लस वी वन के, तब क्या करेगा, ये कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। इसे हम अच्छी तरीके से समझने के लिए करैक्टरिस्टिक देखते हैं। जो करैक्टरिस्टिक देखेंगे वो वी ई और आई ई के बीच का होगा। वी ई होता है इमीटर वोल्टेज और इमीटर करंट। तो जब हम इस टाइम पे इस रीजन में, ये कट ऑफ रीजन है, तो इस रीजन में थोड़ा सा करंट फ्लो करता है वो हमने बताया क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से। तो इस टाइम पे नेगेटिव करंट फ्लो कर रहा है, ये जो है माइनॉरिटी कैरियर की वजह से। तो जब हम क्या करते हैं, वी ई स्टार्ट करते हैं इंक्रीज़ करना, तो ये जो रिवर्स करंट है ये इंक्रीज होना स्टार्ट होता जाता है और एक पॉइंट पे आकर ये ज़ीरो हो जाता है। उसके बाद हम वोल्टेज और इंक्रीज़ करते हैं तो ये जो हमारा करंट है और इंक्रीज़ होता जाता है और एक पॉइंट पे आकर ये मैक्सिमम हो जाता है। इस पॉइंट पे बोलते हैं पीक करंट। इसके बाद अगर हम वोल्टेज इंक्रीज़ करते हैं तो ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और इस रीजन को बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन और यहाँ पे आके ये रुक जाएगा। इस रीजन को बोलेंगे, यहाँ जहाँ पे आकर रुका है इसे बोलेंगे हम वैली पॉइंट, इसे बोलेंगे वैली पॉइंट। और उसके बाद ये जो यहाँ पर आ गया है नेगेटिव रेजिस्टेंस, उसके बाद ये सैचुरेशन रीजन में आ जाता है। तो ये था इसका करैक्टरिस्टिक्स। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। या इट इज़ यूज फॉर स्विचिंग, इट इज़ वाइडली यूज एज अ ट्रिगर डिवाइस फॉर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर एंड ट्रायड। तो यूजली यूज इन फेस कंट्रोल सर्किट एंड यूजली यूज इन टाइमिंग सर्किट। इट इज़ यूज एज अ शॉर्ट टूथ जनरेटर, मेनली हम जो एससीआर को टर्न ऑन और शॉर्ट टूथ जनरेट करने के लिए इसे यूज़ करते हैं। थैंक यू।